हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल अंजलि मिक्स रेसिपी में। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ दो करेले की इतनी टेस्टी सब्जी जिसे आप खा के बार बार इसी को बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने घर का फड़ा हुआ करेला लिया हुआ है। हमारे घर पे बहुत सारे करेले हुए हैं तो उसमें से हमने दो तोड़ के लाया, अभी बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा करेला है। तो यहाँ पे करेले को ना छीलना है और ना ही इसे बॉयल करना है, और जिस तरह से इसमें छिलके हैं उसी तरह से हमें बस इसे काट लेना। मैंने इसे धुल लिया है, इसका पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। तो देखिए इसमें अभी डंडी लगा हुआ है, मैं तुरंत अभी इसे तोड़ के ही लाई हूँ थोड़ी देर पहले। तो अभी हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला जो भाग है इसे काट लेंगे, उसके बाद इसको हम मोटे मोटे पीसेस में काटेंगे गोल गोल से। ये जो सब्जी बनेगी फ्रेंड्स, ये मोटे मोटे पीसेस में आप इसे कटेंगे तभी जाके ये सब्जी टेस्टी और क्रिस्पी कुरकुरी बनेगी। तो क्यों ना पहले सारे करेले को हम इसी तरीके से काट लें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, हमने सारे करेले को मोटे मोटे काट लिए हैं और इसके छिलके तो बिल्कुल भी नहीं निकालने हैं, नहीं तो करेले के सारे विटामिन निकल जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक चम्मच कॉर्नफ्लोर, एक चम्मच चावल का आटा लिया है और लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी और यहाँ पे मैंने सब्जी वाला मसाला लिया है जो डेली यूज में लेते हैं, और थोड़ा सा आमचूर लिया हुआ है, आमचूर पाउडर। ये सब्जी वाला मसाला है, हल्दी है, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक लेना है, और यहाँ पे मैंने कश्मीरी मिर्च लिया हुआ है, आमचूर। आमचूर तो खास से ही डालें, उसे स्किप ना करें। सभी को हम साथ में पहले मिक्स कर देंगे एक ही साथ इस तरीके से, और मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स इसे हम करेले के अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ सारे मसाले को हमने, मतलब जो भी चीजें हमने लिया था उसे हमने डाल दिया है इसके अंदर। अब इसमें हम डालेंगे, इसे पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, पानी का भूल से भी बिल्कुल भी यूज ना करें। एक चम्मच आज से थोड़ा कम चिली फ्लेक्स, और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने, ये भी जरूर डालें आप। और एक चम्मच से दो चम्मच के करीब पानी ऐड करना है, ज्यादा पानी नहीं डालना है। और बहुत अच्छे से इसे कोटिंग कर लेना है हाथों से, इस तरह से मिक्स करते हुए। तो देखिए यहाँ पे करेला अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, यानी कि कोट मैंने इसे अच्छे से कोटिंग कर लिया है। अब इसे 10 मिनट रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, उसके बाद चलते हैं गैस के पास। तो फ्रेंड्स अगर इस तरह से करेला बनाएंगे तो जिसे नहीं खाना रहेगा वो भी खाएगा और आपकी बहुत तारीफ करेगा, और सब लोग करेला खाना आपकी फैमिली में शुरू कर देंगे। तो करेले को कभी भी इसी मेथड से बनाएं, इसी तरीके से बनाएं, सभी को बहुत, बच्चे भी, जहां तक बच्चे को तो दूर दूर तक पसंद नहीं होता लेकिन फिर भी बच्चे बहुत इंजॉय से खाएंगे। एक पकौड़े के जैसे ये बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे मैंने देखिए ये चौड़े पेनी वाला एक पैन रखा है जिसमें हम 3 से 4 चम्मच ऑयल डाल दिए हैं, जो ऑयल हम खाते हैं कुकिंग ऑयल वही डालना है। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा हींग का छाटा लगा देंगे, हींग से फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब इस तरीके से एक एक पीस हम इसमें अच्छे से सेट करेंगे, रखते जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे हमने सारे करेले को एक ही तरीके से सजा दिया है पैन के अंदर, और सजाने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना कलरफुल लग रहा है फ्रेंड्स। तो ये करेला अभी धीमी आंच पे हमें इसे पूरे अच्छे से इसे रख लेना है, उसके बाद आंच के धीमा कर देना है, धीमा करके इसे हमें ढक देना है। तो इस तरीके से अगर करेला बनाते हैं तो सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। अब इसे हम कवर कर देते हैं, अब मुश्किल से घड़ी के टाइम से 7 मिनट बाद इसे चेक करेंगे। तो देखिए 7 मिनट हो चुका है, गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं था, मैंने बिल्कुल मीडियम रखा था। अब एक एक करेले को, मतलब, तो फ्रेंड्स आप इसे चाहे तो बड़े वाले चमचे से भी एक साथ ही पलट सकते हैं, लेकिन मैं थोड़े थोड़े करके इसे पलटूंगी। तो यहाँ पे देखिए ये कितना कुरकुरा करेला हमारा फ्राई हुआ है। तो इसे हम इस तरीके से पलट लेंगे।
तो बहुत ही टेस्टी करेला बनके तैयार हुआ है फ्रेंड्स। तो जरूर से आप एक बार ट्राई करें इस करेले को इस तरीके से बनाने के लिए, और अपनी फैमिली में सभी को बना के जरूर टेस्ट कराएं, सब आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो दूसरी साइड भी हम 5 से 8 मिनट तक सेक लेते हैं। तो एक बार चेक करते हैं दूसरी साइड भी। तो अब जाके परफेक्ट हमारा करेला कुक हुआ है, क्रिस्पी करंची करेला। तो फ्रेंड्स फटाफट से इसे एक बार चला लेते हैं और इसे फटाफट सर्व करते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप बनाएं और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट का हमेशा वेट रहता है, आप कमेंट नहीं करते मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फटाफट से करेले को गैस को ऑफ करते हैं, करेले को चल रहे हैं सर्व करने। हमने इसके साथ इसके कॉम्बिनेशन में दाल चावल बनाया हुआ है, इसके साथ हम इसे सर्व करेंगे। देखिए कितना लुक वाइज कितना अच्छा दिख रहा है ये करेला। तो क्यों ना इस तरह से बनाएंगे तो पसंद सभी को आएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम आपसे मिलते हैं एक न्यू वीडियो एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। टेक केयर, बाय बाय।